हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं जी कैसे चिवड़ा रेसिपी तैयार करें। तो देखिए, ये है मेरा चिवड़ा और ये है मेरा मूंगफली का दाना और ये है प्याज और हरा मिर्च। तो देखिए, मैं इस मूंगफली को पहले तेल में अच्छे से ताल लेते हूँ। तो देखिए, थोड़ा सा तेल ऐड किए हैं हम, तो उसी में हम डाल देंगे। ये तब तक लाल करेंगे जब तक लेंगे मेरा अच्छे से मूंगफली लाल हो जाए। तो देखिए, मेरा मूंगफली अच्छे से लाल हो रहा है। मैं गैस को कम करके मूंगफली को बनाऊंगी। तो देखिए, मेरा बहुत ही अच्छा ये मूँगफली देखिए कितना अच्छे से तेल में तल रहा है। एक बार आप भी ज़रूर चिवड़ा ऐसे फ्राई कीजिए। तो देखिए, मेरा बहुत ही अच्छा मूँगफली हुआ है, बहुत ही टेस्टी मूँगफली। पहले हम मूँगफली को अच्छे से तेल में डाल लेंगे। तो देखिए, मेरा मूंगफली हो चुका है, तो अब हम इसको निकाल देंगे। तो देखिए, हम निकाल दे रहे हैं। देखिए, मैं सारा मूंगफली का ये दा जो मूंगफली का दाना हम तेल में भुगाए थे वो निकाल लिए हैं, तेल में तल चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये हरा मिर्चा और प्याज। तो देखिए, इससे पहले हम अच्छे से चला लेंगे। देखिए, बहुत ही आसान है चिवड़ा को फ्राई करना। तो आप भी एक बार टेस्टी चिवड़ा बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी चिवड़ा स्वाद लगता है। तो इसको लाल होने दे रहे हैं, धीमी गैस को धीमी करके बनाऊंगी, तभी मेरा स्वादिष्ट बनेगा। तो देखिए, मेरा ये लाल हो चुका है। थोड़ा सा ये तेल डालना है इसमें, क्योंकि ज़्यादा तेल डाल देंगे तो मेरा चिवड़ा तेले जैसा स्वाद में लगेगा। थोड़ा सा ही तेल डालना, केवल इसको आँच के माध्यम से उसको अच्छे से भूनना है। तो देखिए, मेरा लाल हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हम ये चिवड़ा। तो ये मेरा सूखा चिवड़ा बना रहे हैं, सूखा। तो देखिए, बहुत ही टेस्टी मेरा चिवड़ा है, बनने के बाद बहुत ही टेस्टी चिवड़ा लगेगा खाने में। तो देखिए, मैं अभी थोड़ा सा ही तेल डाले हैं, तो मेरा तेल जैसा दिख रहा है। एकदम थोड़ा सा ही तेल डालना इसमें। तो 5 मिनट इसको खूब अच्छे से चला चला के हम भूजेंगे। ये मेरा सूखा चिवड़ा बोलेगा। तो देखिए, 5 मिनट तक इसको खूब अच्छे से चलाते रहिए। तो देखिए, मैं 5 मिनट अच्छे से भूजने के बाद मेरा चिवड़ा कुछ इस तरह का हो गया है। तो देखिए, बहुत ही टेस्टी चिवड़ा हम भूजे हैं इसको। तो इसमें आप भूजने थोड़े देर बाद ये 1/2 कप हल्दी, जो कि कलर के लिए अच्छा रहेगा या सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा, ये 1/2 चम्मच हम नमक ऐड कर दिए इसमें, जो कि खाने में अच्छा स्वाद देगा। और ये है मेरा
मूंगफली का दाना। तो देखिए मैं इसमें मूंगफली का दाना ऐड कर दिए तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो अब इसको थोड़े देर के लिए ऐसे ही रहने देंगे ताकि मेरा जो हल्दी नमक है वो अच्छा से कलर मिल जाए। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग के ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही आप लोग के टेस्टी स्वादिष्ट बनाकर दिखाऊं। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आज का ये रेसिपी कैसा लगा।